सो स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक पे। अभी तक हमारा एक तो फर्स्ट टॉपिक हो गया है सेट रिलेशन। सेकंड टॉपिक है किसकी? फर्स्ट टॉपिक आ रहा है सेट रिलेशन फंक्शन हो गया है। फिर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स और मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट कर लिया है, जिसमें फर्स्ट ग्रेड के लिए अलग से रैंक भी पढ़ लिया है। और मैंने जैसे फर्स्ट ग्रेड को बोला है, अभी अभी आपके पास हो सकता है क्लास खत्म होने से पहले ही, वो मैंने कहा था आपके 2 लेक्चर्स और डल जाएंगे, मतलब 3 घंटे की और वीडियो डाल दूंगा जिसमें मैंने पूरे रैंक को ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है, मतलब उसको एक्सप्लेन किया हुआ है वो वीडियो, क्योंकि कुछ बच्चे अगर प्रूफ में मतलब इंटरेस्टेड थे तो उनको उसमें प्रूफ्स भी मिल जाएंगे, जो मैंने करवाया था अभी इसी साल करवाया था, आपसे 1 महीने पहले करवाया होगा, ठीक है ना। बट वो आपके लिए उतना रिक्वायर्ड नहीं था, इसलिए मैं नहीं करवा रहा था, क्वेश्चन भी अपने में से एक में ही आना था, बट स्टिल मैंने फिर भी करवा दिया वो। अब आप कोई प्रूफ देखना चाहे तो ही और शी इज मोस्ट वेलकम, आप देखिएगा, ठीक है ना। और उसमें आज की ही डेट डालूंगा मैं, आज की ही डेट डाल के तीनों, और नीचे नाम लिखा होगा एक्स्ट्रा लेक्चर्स। ओके, सो मैं आज आगे बढ़ता हूं। अब मेरा अगला टॉपिक है, अब अगला मेरा यूनिट है, जो यूनिट है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन स्टेटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। बड़ी देर से पहले चैप्टर से सी सी आता जा रहा था, ये सी इतनी बार आ गया था कि हमारे लिए हो गया था कि यार बार बार सी आई जा रहा है। कुछ बच्चों को थोड़ा बहुत इसकी समझ थी तो उनके लिए ज़्यादा कंफर्टेबिलिटी थी, बट कुछ बच्चों को समस्या बार बार आ रही होगी शायद कि ये बार बार सी क्यों आ जाता है, बड़ी जल्दी आ जाता है सी। तो आज के बाद वो सी कभी भी आ जाए हमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपना परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, आप ये समझ लें कि इस चैप्टर के बिना प्रोबेबिलिटी में थोड़ी समस्याएं आ जाती है। जिसको ये हो गया, प्रोबेबिलिटी तो इससे भी आसान है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का मतलब क्रमचय तथा संचय। क्रमचय तथा संचय, क्रमचय तथा संचय, इस पे आज हम बात करेंगे। बट आज का लेक्चर जो है, या कह लो कि अगले 2 घंटे तक का जो लेक्चर है, उसमें हमारे लिए ये थोड़ी आसान अच्छी बात रहेगी कि अगर किसी ने आज का लेक्चर मिस भी कर दिया तो भी उसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में उतनी समस्या नहीं आएगी, क्योंकि आज हम डायरेक्ट परम्यूटेशन काउंटिंग तो करेंगे बट डायरेक्ट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के वो क्वेश्चन नहीं करेंगे जिसमें सी और पी लिखा हुआ आता था। और एक बात और, जब मैं 11th में पढ़ता था तो मुझे ध्यान था कि मैं ना उस समय बड़ा कंफ्यूज होता था कि कहाँ पर सी लगेगा कहाँ पी। मुझे ऐसा लगता था एक बार मुझे कोई बता दे कि सी आएगा कि पी, बाकी मैं देख लूंगा। इसीलिए मैंने अपनी स्टडी में हमने पी को गायब ही कर दिया है, मैं कहीं भी पी का इस्तेमाल करूंगा ही नहीं फिलहाल। तब तक तो पी का इस्तेमाल नहीं करूंगा जब तक वो जबरदस्ती मुझे पी लिख के ना दे दे। अगर वो मुझे पी लिख के नहीं देगा तो मैं पी का इस्तेमाल नहीं करूंगा। और अपने को एक बात और समझनी पड़ेगी स्टूडेंट्स, कि आखिर मैं पी का इस्तेमाल किए, मतलब हमें क्वेश्चन करना है कॉम्बिनेशन से ही करना है। अगर आपके पास दिमाग में होगी कि किसी क्वेश्चन ने परम्यूटेशन लगाना ही नहीं है, आपकी आधी जिंदगी तो वैसे ही आसान हो गई। हम बचपन से, अगर मैं कंफ्यूज होता हूंगा तो आप भी होते ही होंगे, ये नॉर्मली अब 11th 12th के हर बच्चे के साथ सेम ही प्रॉब्लम रहती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं कहीं भी यूज नहीं करूंगा पी, सबसे पहले संचय लिखें, मैं सिर्फ और सिर्फ मतलब बता रहा हूं, संचय कॉम्बिनेशन। आज मैं वो सी और वगैरह का यूज नहीं करूंगा, तो संचय, संचय का मतलब क्या होता है? संचय का मतलब होता है, और इसे लिखा ऐसे जाता है कॉम्बिनेशन को, जैसे एनसीआर, कई ऐसा लिखते हैं, ऐसा भी लिखा जा सकता है। कि मेरे साथ भी ऐसा होता है, सबके साथ ऐसा होता है, एनसीआर ऐसा। तो देखिए आज के बाद ऐसा नहीं होगा तुम्हारे साथ, एनसीआर। तो
कॉम्बिनेशन को एनसीआर को लिखने के ये तीन तरीके होते हैं, मतलब इसकी इसको नोटेशन जो होती है वो ऐसी होती है। और इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है दी हुई एन वस्तुओं में से दी हुई एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं को का चयन करने के कुल तरीके, दी हुई एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं को चयन करने के कुल तरीके। और परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, जिसे हम क्रमचय बोलते हैं हिंदी में, उसको लिखा जाता है ऐसा, सिर्फ उसको लिखने का ये तरीका है। उसको पी एन कॉमा आर कोई जबरदस्ती लिख दे तो अलग बात है, पर नोटेशन नॉर्मली ऐसी रहती है। इसका मतलब होता है एन में से आर वस्तुओं का चयन करना, सिलेक्टिंग आर आइटम्स आउट ऑफ गिवन एन आइटम, दी हुई एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं का चयन करना, तत्पश्चात उन आर वस्तुओं को व्यवस्थित करना। पहले एन में से आर वस्तुओं का चयन किया और फिर उन आर वस्तुओं को व्यवस्थित किया। अब देखिए, और उसे लिखा जाता है एनपीआर। और एनसीआर को हम डिफाइंड कैसे करते हैं, एनसीआर इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड किया गया है, एन फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल का मतलब होता है मल्टीप्लाई करते रहिए टिल वन तक। आई मीन टू से व्हाट इज फैक्टोरियल एन, या फैक्टोरियल एन का मतलब है एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, और ये मल्टीप्लाई करते करते वन तक पहुंच जाइए, ठीक है ना। और जीरो फैक्टोरियल इन इज कन्वेंशनली इक्वल टू वन, और जीरो फैक्टोरियल को बाय कन्वेंशन वन माना गया है। जैसे कि अगर फॉर्मूले को यूज करूं, जैसे मैं पांच में से पांच वस्तुओं को चयन करने के कितने तरीके हैं, एक, पांच में से पांचों आ जाए। जैसे कि पांच में से चार वस्तुओं का चयन भी कर सकते हो, पांच में से चार वस्तुओं कैसे चयन करोगे, पहली चार आ जाए, पहला दूसरा तीसरा पांचवा आ जाए, पहला दूसरा चौथा पांचवा आ जाए, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा आ जाए, तो जितने भी तरीके होंगे पांच में से चार वस्तुओं को चयन करने के, ऐसे पांच में से पांच वस्तुओं को चयन करने का केवल एक तरीका है, पांचों आ जाए। तो इसको सॉल्व करने पर वन आंसर आना चाहिए, यानी ये डिफाइंड होता है, ये डिफाइंड होता है। तो इसका मतलब इसका आंसर वन तभी आ सकता है जब जीरो फैक्टोरियल वन होता है। और इसीलिए कईयों ने, ठीक है भाई, जीरो फैक्टोरियल पे हमें हमेशा बात करनी पड़ेगी, जीरो फैक्टोरियल में हमें हमेशा बात करनी पड़ेगी, फोर फैक्टोरियल में अगर चार से भाग कर दो तो तीन फैक्टोरियल आ जाता है, तीन फैक्टोरियल में तीन से भाग कर दो तो एक कम फैक्टोरियल दो आ जाएगा, दो फैक्टोरियल में दो का भाग कर दो तो एक आ जाएगा, और एक फैक्टोरियल में एक का भाग कर दो तो जीरो आना चाहिए। और जीरो फैक्टोरियल पे बात मैं इसलिए भी कर सकता हूं क्योंकि करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर इसकी वैल्यू जरूर एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि पांच में से पांच वस्तुओं को चयन करने का मतलब हम चयन कर सकते हैं, पांच में से पांच वस्तुओं को चयन करने के हमारे पास तरीके होते हैं। ओके, तो ये होता है एनसीआर। और उसी प्रकार जैसा मैंने ये बोला है, उसी प्रकार अगर मैं दूसरी बात करूं, तो जैसे ये तीन
तीन एलिमेंट है ए बी सी, इन तीन लेटर को या तीन ये इंसान है इनको व्यवस्थित करने के कितने तरीके हैं, कितने तरीके से आगे पीछे करके अरेंज किया जा सकता है, वो होता है 3 फैक्टोरियल तरीके से। कभी ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए, सी ए बी, सी बी ए। मैं आज तो बेशक मैंने कहा है मैं अपनी स्टडी में कहीं परम्यूटेशन का इस्तेमाल नहीं करूंगा जब तक उसने जबरदस्ती मुझे बोल नहीं दिया। तो देखिए इसका मतलब एनपीआर का क्या फॉर्मूला हो गया, एन में से आर वस्तुओं का चयन कीजिए एंड फिर उन आर वस्तुओं को व्यवस्थित करने के कितने तरीके, एंड उन आर वस्तुओं को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है, आर फैक्टोरियल। ठीक है, जब मैं क्वेश्चन करूंगा ये तब की बात है, बट मैं आज इसका यूज नहीं करूंगा। आज की पढ़ाई में मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा, जो भी अगले 1.5 घंटे मेरी पढ़ाई होने वाली है उसमें मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा। सो एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर, तो ये मेरे पास परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को इस प्रकार से डिफाइन किया गया है, डिनोट ऐसे करते हैं और परिभाषित ऐसा किया गया है, इस फॉर्मूले से उसको रखा गया है। तो एक बार देख लीजिए और मैं अब आज का काम शुरू करता हूं कि क्या है। जीरो फैक्टोरियल वन, देखिए इसको 4 से भाग करो 3 फैक्टोरियल, इसको 3 से भाग करो 2 फैक्टोरियल, इसको 2 से भाग करो 1 फैक्टोरियल, इसको 1 से भाग करो 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल में हमेशा बात की जाएगी। सो हो जाए तो बता दें, मैं रब कर दूंगा। कैन आई रब दिस वन? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आजकल इस टाइप के टॉपिक बड़े फेमस हो रहे हैं, एग्जामिनेशन की एग्जामिनर्स की पसंद आ रही है। कैसी? फंक्शंस, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये पहले के जमाने में होता था एपीजीपी, अब उसको पता लग गया वो चीज जहां पर मैनिपुलेशन हो सकती है, जहां बच्चे को सोचना पड़े, बच्चे का एनालिटिकल दिमाग पता लगे, आजकल वो इसी चीजों पे उसका ध्यान है। सो आज मैं नंबर सिस्टम से स्टार्ट करूंगा। आज मेरा कॉम्बिनेशन से लेना देना नहीं है बट काउंटिंग है, और कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन का मेन पर्पस भी काउंटिंग ही तो है। तो आज मेरा जो काम है थोड़ा सा काउंटिंग से रहेगा, जो सेकंड ग्रेड में तो खासकर बहुत पसंद किया जाता है। ऐसा नहीं कह रहा हूं फर्स्ट ग्रेड में नहीं आता, बट सेकंड ग्रेड में ज्यादा पसंद किया जाता है। तो पहले देखिए, किसी संख्या के कुल भाजकों की संख्या, किसी संख्या के कुल भाजकों की संख्या, किसी संख्या के कुल भाजकों की संख्या। अब मेरी बात ध्यान से सुने, मैं आपको जैसे एक एग्जांपल बताता हूं कि इसका मतलब क्या हुआ। जैसे कि अगर आपके पास n 120 है, और अब मुझसे पूछा जाए इसके भाजक कौन से हैं, तो मैं कहूंगा 1 × 120 2 × 60 = 120 3 × 40 4 × 30 5 × 24 6 × 20 8 × 15 10 × 12 वो लिख देना, थोड़ा सा आपके पास स्पेस होगा वो मैंने थोड़ा, चलो
जी बहुत छोटा नंबर था सर, इसलिए हमने डिवाइजर निकाल दिए, कितने 120। इसके डिवाइजर इसके डिवाइजर 120 के कितने आ गए 16। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 8 16, 16 डिवाइजर आ गए हैं, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर। सर ऐसे हम हमेशा निकाल लेंगे, बट अगर नंबर बड़ा हो गया तो हमेशा मेरे लिए ये ढूंढना भी मुश्किल है कि इसके डिवाइजर कितने हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इस नंबर n को मैं प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिख सकते, किसी भी नंबर को आप प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख सकते हो, मतलब प्राइम नंबर के पावर के रूप में लिख सकते हो। तो 12 का मतलब क्या है 4 गुना 3, और 10 का मतलब क्या है 2 गुना 5। तो ये बन रहा है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। 120 का मतलब ये है। अब इसको जो भी नंबर डिवाइड करेगा, इसको जो भी नंबर डिवाइड करेगा 120 का, उसके पे 2 की पावर a कुछ होगा, 3 की पावर कुछ होगा और 5 की पावर कुछ होगा। जो भी 120 को डिवाइड करेगा उसमें 2 की पावर, 3 की पावर और 5 की पावर कुछ कुछ रह सकता है। अब आप देख रहे हो, अब a के पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है, a के पास क्या चांस है, ए या तो जीरो हो, ए जीरो हो मतलब ये वन, वन से भी कोई दिक्कत नहीं। अगर ए और सी जीरो भी हो जाएं और बी भी जीरो हो जाए तो भी वन इंटू वन इंटू वन, वन इसका डिवाइजर है। इसको जो भी डिवाइड करेगा उसमें ए जो है वो कभी 3 से बड़ा नहीं हो सकता, बी जो है वो 1 से बड़ा नहीं हो सकता और 5 भी 1, सी क्या है 1 से बड़ा नहीं हो सकता। यानी ए के पास क्या चांस है, यानी इसको डिवाइड करने के लिए या तो 2 की पावर 0 रहनी चाहिए, 2 की पावर 1 रहनी चाहिए, 2 की पावर 2 रहनी चाहिए, 2 की पावर 3 रहनी चाहिए। इसके अलावा अगर 2 की पावर 4 आ गई तो वो 120 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो काट के एक इंटीजर वैल्यू नहीं देगा मुझे। इसी प्रकार 3 जो है उसकी 3 की पावर 0 होगी या 3 की पावर 1, क्योंकि 3 की पावर 2 होते ही 120 को काटने पर नीचे 3 की पावर 1 से कुछ रह जाएगी, और ऐसे 5 की पावर 0 या 5 की पावर 1 रह सकती है। तो अब आपका कोई भी डिवाइजर है वो कैसे बनेगा, इनको मल्टीप्लाई करके देखिए, 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0 एक, 2 की पावर 0 3 की पावर 0 एंड 5 की पावर 1 5, 2 की पावर 0 3 की पावर 1 5 की पावर 0 इज 3, 2 की पावर 0 3 की पावर 1 5 की पावर 1 15, 2 की पावर 1 3 की पावर 0 5 की पावर 0 2। तो जितने भी डिवाइजर हैं वो इनसे मिलके बने हैं, तो इनसे मिलके बने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने हो गए, तो टोटल डिवाइजर इनको गुना करने से मिलके बन रहे हैं, और इनको गुना करने में इसके पास 4 पॉसिबिलिटी है, इसके पास 2, इसके पास 2, तो 4 × 2 × 2, क्योंकि कभी भी आपके पास यहां 2 नंबर है ए बी और यहां 2 नंबर है सी डी, इनसे गुना करके आखिर कितने नंबर बनेंगे, 4 ही तो बनेंगे, ए सी ए डी बी सी बी डी। उसी प्रकार इन चारों से गुना करके जितने नंबर बनेंगे, या फिर इसको ऐसा लिख देता हूं, इन चारों से मिलके जितने नंबर बनेंगे वो कितने होंगे, 4 × 2 × 2, जिसे आप क्या कह रहे हो 16, 16 बनेंगे इनसे गुना करके, 16 डिवाइजर बनने वाले हैं इनसे गुना करके, ऐसे ही है ना, इनसे गुना करके 16 डिवाइजर बनने वाले हैं। इसका मतलब तो अपना जो फॉर्मूला हो गया वो क्या हो गया, आपका जो n होगा उसे पहले आप प्राइम नंबर के पावर के रूप में लिखेंगे, जो भी आपको नंबर दिया होगा उसको प्राइम नंबर के पावर के रूप में लिखेंगे, जहां सभी pi अभाज्य संख्या है, जहां सभी pi अभाज्य संख्या है और आपके कुल भाजकों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स। तो आप देख रहे हो इसको भाग करने के लिए 1 ज्यादा आ रहा था, क्योंकि 2 की पावर 0 से शुरू हो रहा है,
तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अल्फा 1 प्लस 1, अल्फा 2 प्लस 1, अल्फा के प्लस 1। तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर कितने हो जाएंगे, इनकी जो पावर्स होंगी उनमें एक एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर दे। वो एक क्यों जोड़ा जा रहा है, इस 2 की पावर 0 से स्टार्ट हो रहा है, 3 की पावर 0 से, तो 4 गुना 2 गुना 2 16 डिवाइजर्स। तो इस प्रकार आप किसी भी संख्या के कुल भाजकों की संख्या निकाल सकते हो। ठीक है, तो कुल भाजकों की संख्या कितनी आ गई आपके पास, अल्फा 1 प्लस 1, अल्फा 2 प्लस 1, सो ऑन अल्फा के प्लस 1। तो आपके कुल भाजक कितने हो जाएंगे। अब आपसे पूछा जाए कोई, इसी में ये मैं पहला पार्ट कर रहा हूं, पहले का ये फर्स्ट पार्ट था टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर में, मैंने फर्स्ट पार्ट किया है पहला फॉर्मूला। इसी में कुल विषम भाजक, टोटल नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स, टोटल नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स, यहां ऑड डिवाइजर कितने हैं, चार। टोटल नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स, टोटल नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स, ऐसे ही टोटल नंबर ऑफ इवन डिवाइजर तो ऐसे आ जाएंगे, टोटल डिवाइजर में से ऑड हटा दो तो इवन बच गए, टोटल में से इवन हटा दो तो ऑड बच गए, वो तो मगर एक तो निकालना ही पड़ेगा। तो अब आप देखिए, जितने भी आपके डिवाइजर बन रहे हैं वो आखिर बन कैसे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। 2 की पावर 0 इंटू दिस इंटू दिस, इनको आपस में गुना कर करके आपके डिवाइजर कोई भी उठा लो, 4 गुना 3, 4 तिया 12, 12 गुना 5 20, 60, 8 आ गया, 4 गुना 1 गुना 5 20, इस टाइप से जो भी निकालना चाहो। मगर एक बात है कि इन दोनों को, ये दोनों ऑड नंबर है और ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करके हमेशा ऑड नंबर आता है। 1 1 जा 1, 1 5 जा 5, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। जिस दिन उसके साथ 1 1 गुना हुआ तब तो ये ऑड रह जाएगा, बट उस ऑड नंबर के साथ 2 4 या 8 गुना कर दिया आपने तो ऑड नंबर भी इवन बन जाएगा। अगर आप दो, कि कभी दो के पहाड़े में ऑड नंबर आता है, नहीं, चार में आता है, नहीं, अगर आपने इसको चार से गुना कर दिया किसी ऑड नंबर को, या दो से या आठ से, तब तो ये क्या बन जाएगा सर, ये तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर हुए, तो मैंने भी तो वही निकाला है, मतलब सर ये तो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर हुए। तो यहां जब डिवाइजर्स की बात की जा रही है तो वहां पॉजिटिव डिवाइजर्स की ही बात की जा रही है, ठीक है ना। हाँ अच्छा, प्लस डिवाइजर लिख रहे हो, पॉजिटिव डिवाइजर्स की ही बात की जा रही है, ठीक है ना। तो जब भी हम बात करते हैं वो पॉजिटिव डिवाइजर्स की ही बात कर रहे होते हैं। अब आप देखिए, कुल विषम भाजक की बात करें तो जितने भी आपके पास ऑड वाले आएंगे इनका यूज करके आप ऑड डिवाइजर बना दोगे। इसको जब जब आपने वन से गुना किया तब तो आपको ऑड डिवाइजर मिल जाएंगे, बट दो चार या आठ से गुना करेंगे तो आपको क्या मिल जाएंगे, इवन डिवाइजर्स। तो आप एक बात समझिए, किसी भी नंबर को जब आप प्राइम नंबर के पावर की फॉर्म में लिख रहे हैं तो केवल दो ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, उसके अलावा कोई इवन प्राइम नंबर भी नहीं होता। तो यानी अगर आपने एन को इस शक्ल में लिखा, और यह भी मान लिया कि P1 उसमें से 2 है, P1 उसमें से 2 है, क्योंकि इवन आएगा तभी वो इवन डिवाइजर बनेगा, वरना तो बनेगा ही नहीं। P1 अगर 2 है तो कुल विषम भाजक, टोटल ऑड डिवाइजर्स कितने हो गए, यहां से तो केवल आएगा 2 की पावर 0, बाकी जितने बन रहे हैं।
मतलब इन्हीं को गुना कर दो, उसको छोड़ दो, 1 × 2 × 2 दैट इज 4, 1 मतलब केवल 2 की पावर 0 से ही गुना किया जाएगा, वरना 4 इंटू इतना आ रहा था, क्योंकि उसके अलावा 2 की पावर 0 के अलावा 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 सारे तो इवन है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स। और ऐसे ही मुझे कुल समभाजक निकालने होते यानी टोटल इवन डिवाइजर्स, टोटल नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स, तो या तो करते टोटल डिवाइजर में से, ऑड डिवाइजर माइनस कर दो, या तो एक काम ये करते, वरना डायरेक्ट निकाल देते, यहां से एक छोड़ा जो मुझे ऑड देगा, उसके अलावा सारे इवन देंगे, 3 × 2 × 2 = 4 × 12, बचे हुए 12 ऑड है, तो क्या होगा, कुल भाजक कुल विषम भाजक एक तरीका तो ये रहा कि कुल भाजकों में से अगर विषम भाजक निकाल दिए जाएं, बचे हुए भाजक सम भाजक बन जाएंगे, ऑड डिवाइजर बन जाएंगे, इवन डिवाइजर बन जाएंगे। दूसरा तरीका, एन को अगर आपने इस शक्ल में लिख दिया, जहां पी वन 2 है और सारे पी आई तो प्राइम है जो मैं मान के चल रहा हूं, तो इवन डिवाइजर्स कितने आ गए, सम भाजक पहले वाले में अल्फा 1+1 ना होके एक हट गया है, बचा हुआ अल्फा 1 आ गया है, तो अल्फा 1, अल्फा 2+1, सो ओन अल्फा के प्लस 1 ऐसा। और वैसे इन दोनों में से भी कर सकते हैं, इन दोनों को दिस माइनस दिस में, इसको अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या बच गया, अल्फा 1+1 − 1 इज अल्फा 1, ऐसा भी देख सकते हैं। तो ये मेरा पहला था कि किसी भी, कोई भी आपको अगर एक नंबर दिया है तो उसके टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने होंगे, चाहे वो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर की बात कर रहा हूं, चाहे टोटल नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर की बात कर रहा हूं, या टोटल नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, हो जाए तो मुझे बता देना। अब कर दूं, सो ये पहला है कि किसी संख्या के कुल भाजकों की संख्या कितनी है, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने हैं। हाँ, यस सर, तो ठीक है स्टूडेंट्स, मैं टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर हटा रहा हूं, मैं बढ़ता हूं आगे। सेकंड वन, सम ऑफ डिवाइजर्स, भाजकों का योग, एग्जाम में आता है तो इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन कुछ नहीं लगना, सीधा फॉर्मूला लग जाएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। भाजकों का योग, अब भाजकों का योग, जैसे कि इनका कहने का मतलब क्या है, सपोज मेरे पास एक क्वांटिटी है 120, अब ये टोटल डिवाइजर इसके कितने हैं, 1 × 120, 2 × 60, 3 × 40, 4 × 30, 5 × 24, 6 × 20, 8 × 15, 10 × 12,
सो टोटल इसके डिवाइजर है 16। और अब मगर मुझसे पूछा ये 16 डिवाइजर कितने हैं, वो नहीं पूछा है, अब आपको बोल दिया इन सभी डिवाइजरों का सम निकालो। तो वैसे हम सम निकालते तो कहते एक और दो आ गया, तीन तीन छः चार दस, 15 21 29 39 51 66 86 110 140 180 240 360, 360 सर सम इसका 360 हो गया। अब इसका सम तो ठीक है, A120 तो बहुत छोटा नंबर है, बट अगर कोई ज्यादा ही तगड़ा नंबर दे देते तो हमारे लिए इसके पहले तो सारे डिवाइजर निकालना महाभारत होती, क्योंकि पिछले बारे में तो ठीक है हमारे पास काउंटिंग करने का एक तरीका आ गया, बट यहां तो प्रॉपर सम करना है। सम तो तभी होगा जब प्रॉपर वो सारे डिवाइजर आ जाएंगे, तभी तो उनका सम किया जाएगा। तो मैंने क्या कहा है कि इसको आप सबसे पहले प्राइम नंबर के पावर के फॉर्म में लिख दीजिए। तो 120 कितना होता है, 4 × 3, और 10 कितना होता है, 2 × 5। तो इसको लिखा जा सकता है 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। 120 को ऐसे लिख सकते हैं आप, 120 को आप 120 को ऐसे लिख पाएंगे। ओके 120 को ऐसे लिख सकते हैं। अब मुझे निकालना है इसके जितने भी डिवाइजर्स हैं उनका सम कितना है। अब इसको जो भी डिवाइड करेगा, आप साफ समझ रहे हैं, उसमें 2 की पावर जो है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 या 2 की पावर 3 इन्वॉल्व होगी। कोई भी डिवाइजर बोल दो उसमें 2 की पावर 0, जैसे इसमें 2 की पावर 2 इन्वॉल्व है, इसमें 2 की पावर 0 इन्वॉल्व है, 3 की पावर 1 इन्वॉल्व है, एंड जो भी होगा उसमें 3 की पावर 0 या 3 की पावर 1 इन्वॉल्व होगी, और जो भी डिवाइड करेगा उसमें 5 की पावर 0 या 5 की पावर 1 इन्वॉल्व होगी। और आपके 16 के 16 डिवाइजर्स इन सबको मल्टीप्लाई करने से ही बनेंगे, और आप मल्टीप्लाई करके देख लें जैसा कि हमने ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में देख लिया है। तो आपके सारे डिवाइजर कौन से हैं, 1 + 5 + 3 + 15 करता जा रहा हूं मैं, प्लस 2 + 10 + 6 + मैं सारे डिवाइसेस को प्लस कर रहा हूं, 30। फोर प्लस 20 प्लस 12 + 60। सारे डिवाइजर जो इसके हैं ये सारे प्लस कर रहा हूं मैं, 8 + 40 + 24 + 120। तो अब इन सब का मैं प्लस करने वाला हूं, टोटल करने वाला हूं। इन सब में से 3 की पावर 0, 5 की पावर 0 कॉमन, 3 की पावर 0, 5 की पावर 1 कॉमन, इन सब में से 3 की पावर 1, 5 की पावर 0 कॉमन, और इन सब में से 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 कॉमन। इन सब का जो प्लस होगा वो आंसर आएगा, और सब में से 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 कॉमन, और मेरे पास ब्रैकेट में क्या बचा, 3 की पावर 0,
यहां से 3 की पावर 0 कॉमन, वहां से 3 की पावर 1 कॉमन। सो ये रहा आपका आंसर 15 गुणा 4 गुणा 6 360। ओके ऐसा आंसर आ रहा है। इसका मतलब जो भी आप देखना 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 0 से 2 की पावर 3 तक का टोटल इनटू 3 की पावर 0 से 3 की पावर 1 तक का टोटल इनटू 5 की पावर 0 से 5 की पावर 1 तक का टोटल। तो ये आप इस प्रकार से किसी भी संख्या के कुल डिवाइजर्स का सम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। और इसी के लिए कई फॉर्मूला भी बना देते हैं जीपी सीरीज। ए क्या है? 1 है, सब में पहला 1 होगा। तो आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, कोई ऐसा भी कर सकता है वरना यहां तक भी चला सकता है। मैं तो ऐसा ही करता था, बाकी आपकी इच्छा है। 3 की पावर नंबर ऑफ टर्म, 5 की पावर नंबर ऑफ टर्म। जी इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का डिवाइजर्स निकाल सकते हैं। मेरे कहने का क्या मतलब हुआ पहले एक बार देख लें। यानी क्या हुआ, यदि n बराबर p1 की पावर अल्फा 1, p2 की पावर अल्फा 2 और pk की पावर अल्फा k आया तो भाजकों का योग सम ऑफ डिवाइजर्स कितना होगा, p1 की पावर 0 से लेकर p1 की पावर अल्फा 1 तक का टोटल, p2 की पावर 0 से p2 की पावर अल्फा 2 तक का टोटल इंटू pk की पावर 0 से pk की पावर अल्फा k तक का टोटल। तो ये जो आपको है ये सम ऑफ डिवाइजर दे देगा। तो एक बार इसको निकालें, एक बार नोट कर लें, हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। डिवाइजर्स का योग तो यहां से आप इस प्रकार से किसी भी नंबर का डिवाइजर निकाल सकते हैं, किसी भी नंबर का डिवाइजर निकाल सकते हैं। और अब आपको अगर कितना सम ऑफ ऑड डिवाइजर या सम ऑफ इवन डिवाइजर निकालना है तो देखिए, सम ऑफ ऑड डिवाइजर्स। अब आप समझ रहे हैं ऑड नंबर कब आएगा, जब पहले वाले में से केवल 2 की पावर 0 यूज होगा, बशर्ते 2 भी एक प्राइम नंबर हो उसमें। तो अगर ऐसा है और P1 2 है तो आपके क्या होंगे, सम ऑफ ऑड डिवाइजर्स, विषम भाजकों का योग। इसमें तो केवल 2 की पावर 0 ही आना था,
आपका आंसर क्या है? और ऐसे ही समभाजकों का योग, समभाजकों का योग जहां P1 2 हो, तो वहां से 2 की पावर 0 तो छोड़ दोगे, क्योंकि 2 की पावर 0 जिससे भी गुना होगा वो तो बाद में ऑड नंबर ही बनाएगा। वो क्या आ जाएगा? P1 की पावर 1, तो P1 की पावर 0 छोड़ा है, या फिर टोटल सम में से ऑड सम हटा दीजिए तो भी आपका काम हो जाएगा। जी, तो ये क्या है? इवन डिवाइजर्स का सम, इवन डिवाइजर्स का सम। टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर, टोटल नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर, टोटल नंबर ऑफ इवन डिवाइजर, सम ऑफ डिवाइजर्स। ट्राई करें इसे, मैं 5 मिनट आराम करता हूं।
सारे करो शाबाश जल्दी, सभी के छहों के छहों पार्ट करो। चौबीस मतलब चौबीस भाजकों की संख्या, अरे सारी निकालने हैं। 360 जो दिया है, कुल भाजकों की संख्या, कुल विषम भाजकों की संख्या, कुल सम भाजकों की संख्या। ऐसे जैसे एक स्टूडेंट ने 360 में ये सब कुछ निकाला है, कुल भाजकों का योग, कुल विषम भाजकों का योग, कुल सम भाजकों का योग। इंग्लिश वालों को समझ आ गया होगा, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर, टोटल नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर, टोटल नंबर ऑफ इवन डिवाइजर, सम ऑफ डिवाइजर, सम ऑफ ऑड डिवाइजर, सम ऑफ इवन डिवाइजर्स। ये तीनों पार्ट जो दिए हैं ये कीजिए, ठीक है ना। मैंने जनरल फॉर्मूला लिखा है, अब इसको क्वेश्चन पे अप्लाई कर रहे हैं हम। ये सारे प्रूव किए हैं, ये प्रूव करने में जो हमने एक घंटा लगाया उसके कारण ये होना चाहिए कि कभी फॉर्मूला भूलो ना। तो स्टूडेंट्स हो गया, फर्स्ट में एक बच्चे ने कुछ आंसर बताया, तो मैं पहला पहला कर लेता हूं एक बार, फिर सेकंड आप ट्राई करें। पहले मैं फर्स्ट वन करता हूं, सो मैं पहले पे देखता हूं। देखिए पहला n बराबर 360 360 को कैसे लिखते हैं, 36 गुना 10, 36 होता है 2 × 3, तो क्या बना 2³ 3² पहला। टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, कुल भाजक कितने होंगे, 4 × 3 × 2, एक एक ज्यादा क्योंकि 2⁻⁰ से शुरू होता है। फॉर्मूला करने के बाद अब आपको बड़े आराम से हजम भी होगा कि हाँ ऐसा क्यों हो रहा था, भूलने का कोई चांस नहीं है। ऑड में 2⁻⁰ आया था तो पहले वाले में से तो 1 आ जाता है केवल, अगले वाले में वही सेम जितने आते हैं। अगले वाले में 2⁻⁰ ना होकर 2⁻⁰, 2 और 3 का यूज हुआ था, मतलब 3 जो पावर होती है, बाकी वैसा का वैसा, वरना आप देख भी सकते थे माइनस भी कर सकते थे। सम ऑफ डिवाइजर्स, तो आप ऐसा कर सकते हैं,
चाहे तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लें, वरना इसी पे जीपी लगा के जो फॉर्मूला बनता है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 8 4 12 13 14 15 9 10 11 12 13 6। नाउ अब इसको करना भैया आपका काम है। और अगर मैं ऑड डिवाइजर की बात करता तो पहले वाले में केवल 2 की पावर 0 आता, तो बचा हुआ ये 13 × 6। अब इन दोनों को माइनस करके जो भी आता, माइनस करने का मतलब ये सिर्फ ये 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई होके जो बनता उसको हटाते, तो ये क्या आता 14 × 13 × 6। वरना इन दोनों को माइनस भी करते तो 13 × 6 कॉमन, 15 − 1 = 14। तो जो भी आंसर आना था वो आना था, वो आपको करना है, मेरा काम नहीं है। अगले वाला ट्राई करें। नाउ ट्राई नेक्स्ट वन। समझ आ चुके हैं ना स्टूडेंट्स सबको, जो मैं कर रहा हूं वो सबको समझ आ चुका है? आई थिंक कोई इशू नहीं होना चाहिए। हाँ प्यारे विद्यार्थी गणों, होपफुली समझ आ गया है। हेलो, गुड मॉर्निंग। ओके थैंक यू। हाँ बस 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 करो करो करो, ठीक है ठीक है। थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, अभी मैं देख के आया, वो जो फर्स्ट ग्रेड को मैंने कहा था कि आपको एक्सप्लेन करने के लिए हर चीज़ के प्रूफ के लिए वो रैंक वाले जो प्रूफ्स हैं वो वाले लेक्चर 3 एक्स्ट्रा डाल देंगे, तो उसमें से एक डल चुका है। क्लास ख़त्म होने तक आई थिंक आपका डल जाएगा वो पूरा, आप देख पाएंगे। कॉम्प्लेक्स की शीट हो रही है ना, सर कोई ऑड नंबर लेके डिवाइजर बताएं क्या कोई ऑड लेके, आप खुद ट्राई कर लो। तो मैं क्या बताऊं भाई, मतलब मैं बताऊंगा तो कुछ अलग बताऊंगा क्या? फॉर्मूला अब आप जान चुके हो, n बराबर 2196। तो सबसे पहले तो इसके डिवाइजर्स की बात कर लें। थ्री सेवन जा फिर थ्री टू जा सिक्स, थ्री फोर जा फोर से फोर सिक्सटी वन जा। ऐसा आ रहा है क्या? ऐसा आ रहा है?
पढ़ाई लगा रहे हैं। अच्छा जी, थ्री स्क्वेयर तो पहला क्या है? टोटल डिवाइजर्स, टोटल तो 12 आ रहा है क्या फर्स्ट का? अच्छा टू की पावर टू होगा। एटीन, ठीक है। सेकेंडली कुल विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजक में यहां पर ये जो है टू की पावर टू, इसकी जगह केवल टू की पावर, इसको पहले लिख देता, चलो इसी को पहले लिख देता हूं, जो आज तक करते आए हैं उसी तरीके से रहे तो सही है। तो टू की पावर जीरो आएगा यहां, तो इसको छोड़ दो, बाकियों के कारण बाकी जो बच गया है सिक्स। इवन डिवाइजर इन दोनों को माइनस कर दे 12, वरना यहां से टू की पावर जीरो छोड़ा है, बट टू की पावर वन और टू की पावर टू छोड़ा नहीं छोड़ा। वो जैसा भी होगा वो उस हिसाब से आ जाएगा। कुल भाजकों का योग, योग क्या होता है? टू की पावर जीरो, थ्री की पावर जीरो, 61 की पावर जीरो, और ये क्या बन रहा है? जो भी आएगा कुल विषम भाजकों का योग, तो पहले वाले में केवल वन उठाया है, बाकी बचा हुआ सारा, दोनों को माइनस कर देना यहां पर, इसको हटा के बाकी, तो ये मल्टीप्लाई करना है बाकी। तो इसी प्रकार से मुझे लगता है आप थर्ड भी कर पाएंगे। थर्ड कर लोगे ना? हाँ स्टूडेंट्स, थर्ड कर लोगे, होपफुली करना ही है, बस फैक्टर बनाएंगे इस हिसाब से, प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखेंगे और इसी प्रकार सॉल्व कर लेंगे। होपफुली कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए बच्चों। तो मैं बढ़ता हूं अब आगे थर्ड पे, टाइप थर्ड पे। अभी तक मैं टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स पे बात कर चुका हूं और सम ऑफ डिवाइजर्स पे बात कर चुका हूं। नाउ कम टू नेक्स्ट वन। थर्ड, सम ऑफ नंबर्स फॉर्म्ड बाय यूजिंग सर, बस क्या चाहते हो? अच्छा ले लेंगे अभी 20-25 मिनट और ले लेते हैं क्लास। सम ऑफ नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग डिस्टिंक्ट डिजिट्स। तो देखिए लिखे, भिन्न अंकों का प्रयोग करके, भिन्न अंकों का प्रयोग करके, भिन्न अंकों का प्रयोग करके बनने वाली संख्याओं का योग, भिन्न अंकों का प्रयोग करके, भिन्न अंकों का प्रयोग करके, भिन्न अंकों का प्रयोग करके बनने वाली संख्याओं का योग। अब मुझे याद आ रहा है कि जब फर्स्ट सेकंड ग्रेड में हम जब एग्जाम होता था उस समय पढ़ाया करते थे, तो उस समय बच्चों को यही लगता था, जब हम कहते थे 5 महीने में मान लो खत्म हो जाएगा और उसको 5.5 महीने हो जाते थे, तो बच्चे कहने लग जाते थे कि सर क्या आपने 5 महीने बोला था। अब आप हर चीज़ की डेरिवेशन करने की कोशिश करोगे, कोई भी फॉर्मूले के तौर पे नहीं करोगे, वरना तो मुझे क्या एक बुकलेट बना के फॉर्मूले के तौर पर लिख दूँ,
तो आपको ऑब्वियसली समय तो लगना ही है, चीजों को समझ के करोगे, फॉर्मुलों के भी डेरिवेशन करने की कोशिश करोगे जितना पॉसिबल हो, तो उन चीजों को देखो समय लगता ही है, बट ये ऑनलाइन ने ये काफी मदद कर दी है। इसीलिए हम 4 महीने से शुरू हुए थे, पहले हम कहते थे कि 4 महीने में कर देंगे, वो 4 महीने को बढ़ा बढ़ा के 6 महीने तक पहुंच गए थे, बोलते हुए कि अब 6 महीने कराएंगे, अब ऐसा बोलते हैं। अच्छा देखिए, मैं आपको एक मतलब इस बात के लिए एक हिंट देके दिखाता हूँ इसका मतलब क्या है। जैसे कि ये सपोज करो 1 और 2 है, 1 और 2 है, इनसे बनने वाले, मैं कहना चाहता हूं इनसे बनने वाले, जब रेपिटेशन अलाउड ना हो, मतलब 22 और 11 नहीं माना जाएगा। अब 2 है तो 2 का मतलब है इन 2 अंकों से बनने वाली 2 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे, जब अंकों की रेपिटेशन ना हो, तो इससे 2 नंबर बनेंगे 12 और 21। मुझे कहा जा रहा है इसका योग कितना है। चीज को समझने की कोशिश करें कि क्या हुआ होगा इसमें। 33 का मतलब क्या है? ये इसे इकाई, इसे दहाई कहा जाता था शायद अगर आपको याद हो तो, और ये बन जाता था 33 अगर आपको याद हो। इसी टाइप से अगर वो 3 अंक मेरे 1 2 3 है, तो 3 लेटर्स कैन बी मूव इन, 3 लेटर कितने तरीके से घुमा सकते हैं, 3 फैक्टोरियल मतलब 6, इसे 6 अंक होने वाले हैं, 1 2 3, 1 3 2, 2 1 3, 2 3 1, 3 1 2, 3 T1। ये तो मेरी किस्मत काफी अच्छी थी कि केवल 3 लेटर थे, जो 3 लेटर कितने तरीके से घूम सकते हैं, 3 फैक्टोरियल, यही 4 होते तो 24, 5 होते तो 120, 5 फैक्टोरियल, यानी काफी भारी काम हो जाता। तो मुझे एक फॉर्मूला चाहिए जो इसका काम आसान कर दे, अदरवाइज तरीका तो मुझे पता है। अब आप ये देखिए, एक बात मैं और बताता हूं, तो खैर लिविट, ये देखिए, अब आप देखिए कि हर प्लेस पे आपको 1 दिख रहा है, मतलब फर्स्ट प्लेस में भी 2 बार 1, सेकंड प्लेस पे भी 2 बार 1, थर्ड प्लेस पे भी 2 बार 1, क्या रहा होगा? 3 नंबर है, आपने फर्स्ट पोजीशन पे जब कोई नंबर रखा तो ये 1 आखिर कितनी बार आएगा? 1 को रखा, बाकी 2 नंबर, बाकी कितने नंबर रह गए? 2, एंड 2 नंबर कितने तरीके से घूम सकते हैं? 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का मतलब 1 आएगा 2 बार। इसी टाइप से जब पहले पोजीशन पे 2 रखा तो अगले 2 नंबर कितने तरीके से घूमेंगे? 2 फैक्टोरियल, यानी कितने आ गया, 2 किया तो 2 भी 2 बार आएगा। इसी टाइप से नंबर 3 को फिक्स किया और बाकी 2 नंबर कितने तरीके से घूमेंगे? अरे भाई, अगर मान लो आपके पास ये 4 नंबर होते, 1 को पहले प्लेस पे फिक्स करते, तो बाकी नंबर कितने तरीके से घूमते? 3 नंबर को 3 फैक्टोरियल तरीके से घुमा सकते हो। तो 1 ऑब्वियसली 6 बार आएगा, ऐसी फर्स्ट पोजीशन में 2 भी 6 बार आएगा, ऐसे फर्स्ट पोजीशन में 3 भी 6 बार आएगा, क्योंकि 3 को फिक्स किया और बाकी 3 लेटर्स कैन बी मूव इन 3 फैक्टोरियल वेज। फर्स्ट पोजीशन में 4 को फिक्स किया एंड 4 3 नंबर 3 नंबर्स कैन बी मूव इन 3 फैक्टोरियल वेज,
तो चार को फिक्स करके जब बाकी नंबर तीन फैक्टोरियल तरीके छह तरीके से घूमेंगे तो ये चार 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 पहली पोजीशन पे कितनी बार आएगा, छह बार ही तो आएगा। वही मैं कहना चाह रहा हूं। ऐसा अब देखें, वन दो बार है, दो दो बार है, तीन दो बार है, वन प्लस टू प्लस थ्री, दो बार है, मतलब यहां वन प्लस वन कितनी बार था, छह बार। छह बार का कैसे पता लगा, वन को फिक्स किया, बाकी थ्री लेटर्स कैन बी मूव इन थ्री फैक्टोरियल वेज, यानी ये नंबर जितने आएंगे उतनों के आगे वन आएगा। टू को फिक्स किया, बाकी तीन नंबर को कितने तरीके से घुमा सकते हैं, थ्री फैक्टोरियल यानी छह तरीके से, तो पहली प्लेस पे वन भी छह बार आएगा, पहले प्लेस पे टू भी छह बार आएगा, पहले प्लेस पे तीन भी छह बार आएगा और पहले प्लेस पे चार भी छह बार आएगा। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट प्लेस में वन प्लस टू प्लस थ्री किया और वो नंबर कितनी बार आएंगे, टू फैक्टोरियल बार। यही काम सेकेंड पोजिशन पे भी होगा। और ये कौन सी पोजीशन है, हंड्रेड प्लेस है। जैसे यहां पर मैंने क्या किया था, इनका टोटल जो था थ्री, टेंथ प्लेस, ये जो थ्री आगे लिखा है इसका मतलब थर्टी प्लस थ्री। और इसी प्रकार से सेकंड प्लेस पे भी वन अगर बीच में फिक्स कर दो और इन दो नंबरों कितने तरीके से घुमा सकते, दो फैक्टोरियल, तो बीच में भी वन टू और थ्री कितनी बार आएंगे, दो दो बार, तभी बीच वाले का टोटल भी 12 रहेगा और ये पोजीशन है टेंथ प्लेस। और एंड वाली कौन सी पोजीशन है, इकाई, इकाई दहाई सैकड़ा, मुझे लगता है अपने को पता है सबको, ये मुझे अब बताने की तुम्हें जरूरत नहीं। वंस टेंथ हंड्रेड क्लास टू में होता है, क्लास टू में होता है। अब यहां से टू फैक्टोरियल इंटू वन प्लस टू प्लस थ्री, मुझे कंफर्म है कि क्लास टू में होता है, मेरा बेटा क्योंकि सेकंड में ही है तो मैं कंफर्म कह सकता हूं जी। कॉमन लिया तो ये क्या आ गया, और इसी से अब मैं फॉर्मूला बनाने की कगार में हूं। इन जनरल फॉर्मूला, यदि a1 a2 so on an भिन्न हो, भिन्न संख्याएं हो, यदि a1 comma a2 comma and so on an भिन्न संख्याएं हो, तब इन अंकों से बनने वाली संख्याओं का योग, तब इन अंकों से बनने वाली संख्याओं का योग, क्या कर रहा हूं, हर प्लेस में वन भी आएगा, टू भी आएगा, थ्री भी आएगा, तो सभी नंबरों को जोड़ दो। और आपने क्या किया होगा, आखिर वन कितनी बार आएगा, टू कितनी बार, थ्री कितनी बार, जब उस वन को फिक्स करके बाकी बचे हुए नंबर को जितने तरीके से घुमा सकते हैं, तो एन नंबर है तो ए वन को फिक्स किया और बाकी नंबर कितने तरीके से घूमेंगे, एन माइनस वन फैक्टोरियल तरीके से। और ऐसे ही इकाई दहाई सैकड़ा करोगे तो वन 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 कितनी बार आ जाएगा, जितने नंबर थे, एन टाइम्स। सो दिस वन इज योर फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला बनके तैयार है, ए वन प्लस ए टू प्लस एन सो ए एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल इंटू वन 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 कितनी बार, जितनी संख्याएं होंगी, यानी एन बार वन 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 वन।
तो अंकों का योग कुछ ऐसा होगा। नोट कर लें, हो जाए तो बता देना। किसी को कभी ज्वाइन नहीं किया जाता है तो ऑफिस नंबर पे कॉल कर लिया कीजिए। सर लाइट हैज गोन सो नो नेटवर्क। लाइट जाने से नेटवर्क का क्या इशू है, समझा नहीं। ऐसा भी कोई कनेक्शन हो, कोई रूल है क्या? लाइट चली गई सो नो, सो अच्छा वाईफाई, ओके ओके ओके। मैं तो इसका मतलब समझ रहा था पी इम्प्लाइज क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू समझ रहा था। हाँ सर है सर कनेक्शन, हाँ वाईफाई है फिर तो ठीक है, मैं तो भूल ही गया इधर भी तो वाईफाई लगा है। बिल्कुल सही कहा, तो क्या किया जाए? मान लो कि लाइट है, ऑटोमेटिक स्टूडेंट हो थोड़ा बहुत मानने में क्या। हाँ बच्चों ऐसा है क्या? चलो ठीक है, वैसे मैं दिसंबर में, तो दिसंबर में ऐसा कुछ नहीं होगा, दिसंबर में ऐसे ही बैठ बैठ के आराम से पढ़ाऊंगा, पढ़ाते रहेंगे आराम से करते रहेंगे, क्योंकि दिसंबर में मेरा नेट खत्म हो जाएगा। मैं दिसंबर में आपका टाइम बढ़ा सकता हूँ, ठीक है ना? मत कहना कि सर हमारे लाइट नहीं है, हमारे सर ऐसा है। दिसंबर में मेरी मर्जी है, मैं 4 घंटे भी कर सकता हूँ और पढ़ा भी सकता हूँ, और भी मेरी इच्छा हुई तो ठीक है। मिलते हैं कल, क्या करूं मैं।